बाहर मत जाओ, सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ाई करो, बुक्स पढ़ो, फोन को बंद कर दो, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक सब अनइंस्टॉल कर दो। सुबह से शाम तक आपको सिर्फ यही बातें सुनने को मिलती है कि अगर 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने तो सिर्फ पढ़ाई 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 करो। बट मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप इन सारी चीजों के साथ साथ भी एक रूटीन बना के अगर डेली पढ़ाई करोगे तो आई एम श्योर कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि वो बहुत ही कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ सारे दिन बुक्स में लगे रहते हैं तब जाके उनके मार्क्स आते हैं। तो आपने भी उन बच्चों की तरह स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। आपने इस तरीके से पढ़ना है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छा स्कोर करें और साथ साथ इन चीजों को भी कंटिन्यू करें। तो इसी चीज को जानने के लिए कि आप कैसे स्टडी करके अपना 10th क्लास का रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जो आप 3 घंटे में मेहनत करके इतनी शीटें भर के आते हो ना, तो उसको चेक करने में एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगाता है। तो उस 3 मिनट में आपने अपना इंप्रेशन बनाना होता है अपने पेपर में कि आप उन सारे पेपर जितने भी उसके पास चेक करने के लिए पेपर आए पूरे बंडल में, उसमें आपका पेपर यूनिक है, वो चीज उसे दिखनी चाहिए आपके पेपर से। क्योंकि आप उसके भुआ के, फूफा के, चाचा के लड़के तो लगते नहीं कि जो आपको अच्छे मार्क्स देगा, तो आपके पेपर में उसे कुछ क्वालिटी दिखनी चाहिए, कुछ ऐसा वैल्यूएबल आंसर दिखने चाहिए जिसे पढ़ के वो बहुत ही अच्छे मार्क्स दे। तो भाई मैं अब आपको बता रहा हूं कि जो 5 स्मार्ट आइडियाज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप उन्हें एज इट इज अपनी लाइफ में कॉपी करोगे तो आपका रिजल्ट 101% इंप्रूव होएगा। और अगर आपका रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े ना, तो इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना या जो भी कमेंट में लिखना है लिख के चले जाना। बट मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने खुद ये चीजें अप्लाई करी है और मेरा खुद रिजल्ट इंप्रूव हुआ इन सारी चीजों को करके, तो इसलिए आपका भी रिजल्ट इंप्रूव करेगा अगर आप इन्हें एज इट इज फॉलो करोगे। तो सबसे पहला आपका जो स्मार्ट आइडिया है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किस चीज में, यानी कि आपको डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी रखनी है अपने पढ़ाई को लेके। जैसे आप बाकी काम डेली करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, गेम खेलते हो, बाहर घूमते हो, तो उसी तरह आपको पढ़ाई के लिए भी कंसिस्टेंट रहना होगा कि आपको डेली 1.5 आवर निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए। चाहे आप ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट कोई भी इम्प्रूव नहीं कर सकता भाई। तो आपको 1.5 घंटा डेली पढ़ना ही पड़ेगा। 1.5 घंटा आई थिंक 24 घंटे में से निकालना सबके लिए बहुत ईजी है, पर हम बहाने बनाते रहते हैं कि भाई मुझे ये काम है, वो करना है, ये करना है, पर हम अल्टीमेटली पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है कि मैंने करना है तो करना है, चाहे किसी का कुछ भी हो जाए, चाहे किसी की शादी है, डिवोर्स हो रहा है, किसी की लड़की भाग गई, कुछ हो गया, पर तुमने पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो डेली का कंसिस्टेंसी रखो कि मैंने 1 घंटा इस टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है, बाकी सारे काम छोड़ दो, उस टाइम पे फोन, टीवी सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करनी है आपने। तो 1.5 घंटे के लिए आपको पढ़ना है, जिसमें से आप 1 घंटा मैथ्स पढ़ेंगे एंड 1.5 आवर आप सोशल या साइंस को अल्टरनेटिव्स बेस पे पढ़ सकते हैं। क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो भाई ऐसे होता है, हम तो वैसे ही लड़के हैं, तो लड़कों का तो यही होता है, पेपर से 2 महीने पहले भी पढ़ा, 1.5 महीने पहले भी पढ़ा तो भी बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। तो आप हिंदी इंग्लिश को छोड़ के या जो भी आपके एडिशनल सब्जेक्ट है उन्हें छोड़ के सिर्फ मैथ और साइंस और सोशल, इन 3 सब्जेक्ट पे स्टार्टिंग से फोकस करो। तो क्लास 10th में कंसिस्टेंसी रखनी है। सेकंड आपका आता है कि आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। अब एक बुक में होता क्या है कि 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से क्वेश्चंस पढ़ें। तो आपने वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी है, एंड उसके साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपने वही पढ़ने हैं जो पिछले साल सीबीएसई में आए हुए हैं। क्योंकि होता क्या है, सीबीएसई वही क्वेश्चंस को रिपीट कर करके पेपर में डालती है, वर्डिंग चेंज कर करके, और बच्चे सोचते हैं कि ये कहां से आ गया। तो अगर आपकी बुक में मान लो 2000 क्वेश्चन है, तो उनमें से 500 ही ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन ऑल अदर क्वेश्चन, आप सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ो ना जो इंपॉर्टेंट है, जो पिछले सालों में आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस में आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी आप हमारी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता चलता कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही में ही आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी कंसेप्ट, डेफिनेशन, फॉर्मूले, डायग्राम्स, ये सब क्लियर होना चाहिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं कि वही क्वेश्चन पढ़ो जो पिछले सालों में रिपीट हुए। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, वीकली रिवीजन। अब बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो आगे आगे स्टडी तो करते रहते हैं पर पिछले चैप्टर्स भूलते रहते हैं। कि आप आगे 4 चैप्टर पढ़े, 1st चैप्टर भूल गए, 5th पढ़ा तो 2nd चैप्टर भूल गए, तो भाई क्या है ये, तो क्या फायदा क्या हो रहा है इसका, तो कुछ फायदा है ही नहीं ना। आप पुराना भूलते जा रहे हो, आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, तो कोई फायदा है ही नहीं। आप जब लास्ट चैप्टर को भूलोगे तो पिछले सारी बुक ही भूल गए। तो इसलिए आपने क्या करना है कि वीकली रिविजन करनी है। अब वीकली रिविजन का यहाँ क्या मतलब है कि हर संडे को आपने सिर्फ 1 आवर पढ़ना है, संडे को ऑफ नहीं लेना। हाँ, 1 आवर के लिए आपको स्टडी करनी है, बाकी दिन आप 1.5 घंटा पढ़ते हो ना, संडे सिर्फ 1 आवर आपने पढ़ना है।
और कुछ नया नहीं पढ़ना, जो आपने उस वीक में करा है उसी को ही रिवाइज कर लेना है, वही सारे क्वेश्चन आंसर, वही साइंस सोशल मैथ्स का जो भी आपने करा है एक हफ्ते में उसी को आपने एक बार फिर से गो थ्रू करना है, ताकि आपको वो चीज़ बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप उन्हें लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हो मैथ्स के सम को या साइंस के आंसर्स को, तो आप इसमें ये कर सकते हो कि आप खुद के लिए ही एक टेस्ट बनाएं संडे को, जिसको आप चेक भी खुद ही करोगे, टेस्ट भी आप ही बनाओगे और अपने आप को फिर रिवॉर्ड भी आप ही दोगे। तो आपकी जो भी फेवरेट चीज़ है, मान लो आपको पिज्ज़ा अच्छा लगता है या कोई चॉकलेट है, वो घर पे लाके रख लो और जब भी आपका टेस्ट हो उस दिन आपके अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप अपने आप को कोई रिवॉर्ड दे सकते हो छोटा सा, ठीक है, जिससे आपकी मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा और आप खुद के ही टीचर खुद बन जाओगे, यानी आप अपने लिए ही टेस्ट कर रहे हो, अपना ही टेस्ट चेक कर रहे हो और अपने आप को ही रिवॉर्ड दे रहे हो। तो आपको स्टडी को इस वे से इंटरेस्टिंग बनाना है कि जिस तरीके से आपका मन करे पढ़ने का। गेम खेलने का क्यों मन करता है हमारा, क्योंकि गेम खेल के हमें खुशी मिलती है बाद में, तो ऐसे ही अगर आपका पढ़ के कुछ और आपको हैप्पीनेस मिलेगी तभी आप उसे करोगे। तो स्मार्ट आइडिया नंबर 4 आता है प्रेजेंटेशन। अब मान लो आपने पूरे साल पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करी, आंसर्स को भी याद कर लिया, अपने वीकली रिवीजन भी करी, सब कुछ अच्छे से किया, बट प्रेजेंटेशन ही नहीं करी। अगर आप पेपर में प्रेजेंटेशन ही अच्छे से नहीं करोगे, अपने आंसर्स को अच्छे से लिखोगे नहीं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। आपने देखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है और उससे रिलेटेड आपने क्या क्या पढ़ा है पूरे एक साल में। तो जो भी आपने पढ़ा है और जो पेपर में पूछा गया है, आपने उन दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके लिखना है, क्योंकि ये सच्चाई है कि CBSE बोर्ड में आप अगर बड़े आंसर नहीं लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले। बोर्ड एग्जाम्स में लेंथ ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बड़े आंसर लिखो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट बड़े आंसर का मतलब ये नहीं है आप वहां गाने गुने लिखा हो तब नहीं मार्क्स मिलेंगे, आपको आंसर ही लिखने हैं। बट जैसे आपसे पूछा है कि फंक्शन ऑफ, मान लो फंक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स आपसे पूछे हैं, तो आप पहले मीनिंग भी बताओ प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं, फिर उसके फंक्शंस बताओ, ठीक है। ऐसे ही आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो आपको उससे रिलेटेड जो भी पता है वो भी इन्फॉर्मेशन आप क्वेश्चन में ऐड करके अपने आंसर को बड़ा बना सकते हैं। सेकेंड, आंसर को हमेशा पॉइंट्स में लिखो, डायग्राम्स बनाओ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके आओ, ताकि जब भी चेकर आपका पेपर चेक करे ना, क्योंकि उसके पास भाई 100 शीट्स आती है एक बार में, तो उन 100 शीट में से आपकी शीट उसे कुछ यूनिक लगनी चाहिए, क्योंकि शीट पे ना तो आपका नाम लिखा है, ये भी नहीं पता होता उसे कौन सी स्टेट से पेपर आया, तो उसको कोई मतलब नहीं तुमसे, बट तुमने अपनी आंसर शीट को इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि एक बार में ही वो पढ़े तो उसे लगे हाँ इसमें भाई कुछ वैल्यूएबल है, तो आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिलेंगे। आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके आओ, अच्छे से डायग्राम्स बनाओ, जिस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं भी पूछा बट अगर आपको आता है तो बना दो, ताकि उसे लगे कि हाँ इसने डायग्राम भी बनाया, फॉर्मूला है फिजिक्स में लिख दो, इक्वेशन याद है केमिस्ट्री के तो लिखाओ। तो जितना भी आपने पढ़ा है पेपर में पूछा उससे रिलेटेड है, तब भी आप उसको उसमें घुसा के लिख के आ सकते हो और अपने आंसर्स को बड़ा बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, क्योंकि अगर आप आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, और मैं आपके लिए एक अलग से भी इस बारे में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो अपने आंसर्स की। तो अगर आप चाहते हैं मैं वो वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद भाई लास्ट आता है कि मेक स्टडी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी आपने मेरी वीडियो देखी, आपको अच्छा लगा कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ूंगा आपसे, मैं डेली पढ़ूंगा सारी चीजें छोड़ के, मैं पढ़ाई जरूर करूंगा साथ साथ। बट होता क्या, आप पढ़ना स्टार्ट करोगे 4 दिन 3 दिन 1 हफ्ते बाद आपका क्या होएगा कि वापस से बैक टू नॉर्मल, सब कुछ अब भूल जाना है, इस वीडियो के भूल जाना है, मेरे को इतने अच्छा स्कोर करना है, वो सारी बातें आपके दिमाग से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ोगे तो आप एक दिन बोर जरूर हो जाओगे पढ़ाई से। तो इसलिए मेक स्टडी इंटरेस्टिंग फॉर योर सेल्फ, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो कि आप किस तरीके से पढ़ो कि आपको वो अच्छा लगे। अब कुछ स्टूडेंट मैंने देखा है उनको आंसर लिखने में मजा आता है, तो वो देख के पहले लिखते हैं और देख के फिर लिखते हैं तब उन्हें याद हो जाता है। तो आपको देखना है कि आपको किस तरीके से आंसर याद हो सकते हैं, या फिर आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको वीडियो से पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर आप अपनी बुक्स से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हो। तो भाई ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए स्टडी किस तरीके से इंटरेस्टिंग बन सकती है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि कुछ बच्चों को ना पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बट हाँ वो किसी को पढ़ाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, आपको अगर कोई टॉपिक अच्छा से समझ आता है आप अपने फ्रेंड्स को समझाओ, अपने किसी और क्लासमेट को समझाओ, जिससे क्या होगा आपकी रिविजन हो जाएगी, आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आएगी।
उसको समझ आए या ना आए, बट आपको अच्छे से वो चीज़ याद रहेगी। तो टीचिंग करने से भी आपको वो सारी चीज़ें दोबारा से याद हो जाती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती थी कि भाई ये कैसे याद होएगा, कैसे होएगा, बट अब मुझे 5 साल बाद भी वो चीज़ें याद है। क्यों? क्योंकि मैंने वो चीज़ें पढ़ाई है 5 सालों से। तो इसलिए क्या होता है कि जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आपको वो चीज़ ऐसे याद हो जाएगी कि कभी आप भूलोगे ही नहीं उसको। तो इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप और भी कोई और तरीका ढूंढ सकते हो जिससे आपके लिए वो स्टडी इंटरेस्टिंग बन जाए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इससे बहुत से स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो भाई लास्ट में मैं तुमसे सिर्फ यही बात बोलूंगा कि बाकी चीज़ें आपकी लाइफ में आप कभी भी कर सकते हो, आप घूम कभी भी सकते हो, एंजॉय भी कभी भी कर सकते हो लाइफ को, बट ये जो 10th का एक बार एग्जाम है, 10th का रिजल्ट, वो आपका पूरी लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो जब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो तो ये मेरी बात याद रखना कि आप बाकी चीज़ें कभी भी कर सकते हो, बट सिर्फ ये चीज़ जो मार्क्स हैं आपके, ये एक बार आ गए तो आ गए। तो इसलिए आप हमेशा बहुत ही अच्छे से पूरे साल पढ़ाई करना। और दूसरी बात, आप ये भी याद रखना कि ये जो 10th के आपके फ्रेंड्स हैं, ये जो आपका स्कूल है, ये भी आपको वापस बहुत मिस करने वाले हैं इसको। तो अपने स्कूल लाइफ को भी इंजॉय करो, ट्यूशन लाइफ को भी इंजॉय करो, बट साथ साथ स्टडी ज़रूर करो, स्टडी को नहीं छोड़ना। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन क्लास 10th। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं हम आगे आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।